एक्टर टू एक्टर. अच्छा आप मुझे बताओ, यूजुअली मैं बहुत सारे एक्टर्स जिनसे ही मिलती हूँ. इनफैक्ट यू नो आई वाज विद दिलजीत शूटिंग विद हिम. आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन. आई वांट टू आस्क यू, कभी ऐसा होता है जब आप कोई सीन कर रहे हो एंड यू फील लाइक ओ माय गॉड यू आर नर्वस बिफोर परफॉर्मिंग अ सीन, आपको डर लगता है कभी और यू थिंक दैट नो यू आर वेरी कंफर्टेबल, ऐसा लगता है कभी, डर लगता है कोई सीन परफॉर्म करने से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, हर सीन के पहले और हर फिल्म के पहले मैं नर्वस हो जाती हूँ. अच्छा, बिकॉज मेरा प्रोसेस ये है कि मैं 100% मैं एकदम मतलब प्रिपेयर करके मैं नहीं जाती हूँ अभी. आई अंडरस्टैंड द सीन और आई अंडरस्टैंड द डायलॉग्स. ओके, बट एट द सेम टाइम आई लीव अ लॉट फॉर कि लास्ट मिनट सेट पे क्या होगा. Okay. और मैं दूसरे एक्टर्स के साथ मैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करूँगी, मैं कैसे बातचीत करूँगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. तो इन सब चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक मे बी दैट्स वाई एम ऑलवेज नर्वस, क्योंकि एक तो है कि यू नो आपको सीन मिला है पेपर के ऊपर है, पर उसको सही तरीके से निभाना यू नो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड इफ यू डू द सेम सीन टुडे एंड यू डू द सेम सीन टुमारो, कुछ और इट बिकम समथिंग एल्स ओनली. सो डेफिनेटली आई फील नर्वस. ऐसे मुझे कभी नहीं लगा है कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ या हाँ मैं ये सीन तो मैं कर लूंगी, वो कभी नहीं हुआ है मेरे साथ. ओके, और ऐसा लगता है आपको ऐसा, बिकॉज जब मैं अपना कुछ सीन्स देखती हूँ या कुछ फिल्म देखती हूँ, आई एम लाइक ओ माई गॉड व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई सेइंग द डायलॉग लाइक दैट. तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी अपना कोई काम देखती हूँ, इनफैक्ट मेरे साथ तो ये भी होता है कि मैं सीन परफॉर्म करके आती हूँ एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड आई कुड हैव डन दैट, आई कुड हैव डन दिस. वो तो मतलब 100% वो तो जरूर होता है. Especially it's like one week later you're like, अरे मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं ये भी कर सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी. तो that is a natural thing. And you know Cocktail, one of your really amazing performances. And I see some of those scenes and I'm like, oh my god, this is flawless. As an audience when I see it, I feel ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कुछ भी कम ज्यादा करने की कुछ गुंजाइश नहीं है. आपको लगता है अपने कॉकटेल के सीन्स को देखकर भी कभी कभी यार आई कुड हैव डन दिस? 100% फिल्म के दौरान भी मुझे लगा, फिल्म के बाद भी मुझे लगा. आई फील लाइक यू आर नेवर सेटिस्फाइड एज एन एक्टर विद व्हाट यू हैव डन, कि हाँ बस वाह मैंने कितना अच्छा काम किया. वो तो होगा ही नहीं. यू ऑलवेज फील लाइक कुछ रह गया, मैं और कुछ कर सकती थी. और मेरे ख्याल से वो अच्छी बात है. यू नो दैट्स हाउ यू कीप ग्रोइंग, दैट्स हाउ यू इवॉल्व. अदरवाइज यू जस्ट यू नो इफ यू आर हैप्पी विद योर ओन वर्क दैट्स लाइक